हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है शुद्ध शाकाहारी भोजन में। तो आज जो है हम कद्दू आलू की एक नए तरीके से सब्जी बनाएंगे। उसके लिए हमने 1 किलो कद्दू लिया हुआ है और कद्दू को बिल्कुल बड़े बड़े शेप में कटिंग करेंगे। 4 आलू डालेंगे, 4 पार्ट में इसको कटिंग किया है। 1 कप के लगभग हम इसमें हरी मटर ऐड करेंगे। 1 मूली डालेंगे और मूली का शेप आप देख सकते हैं, बिल्कुल पतले पतले शेप में कटिंग करेंगे ताकि ये मसाले में अच्छे से मिल जाए, अच्छे से पक जाए। 1 शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च डालने से बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, तो हम इसको बड़े बड़े शेप में, उसी शेप में कटिंग करेंगे जिस शेप में हमने कद्दू और आलू को कटिंग करी है। तो आइए इस मिक्स सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बिना मसाले की बहुत टेस्टी सब्जी। सब्जी बनाने के लिए हम सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं। 2 छोटी चम्मच से पचफोरन डालेंगे छौंक में। कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। अब 1 हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च को कट नहीं करेंगे, बड़े शेप में कटिंग किया हुआ अदरक डाल देंगे। इसको थोड़ा देर भून लेंगे अच्छे से। ये हमारी भून चुकी है, अब इसमें हम आलू डाल देंगे। आलू को भी 1 से 2 मिनट भून लें। आलू हमारी भून चुकी है, अब इसमें हम कद्दू ऐड कर देंगे। कद्दू को डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक गैस का फ्लेम हाई करके अच्छे से भून लें। कद्दू भूनने के बाद अब इसमें हम हरे मटर ऐड कर देंगे, मूली कटिंग करी हुई। अब इन सारी सब्जियों को अच्छे से मिला करके अच्छे से भून लेंगे साथ में। सब्जी भूनने के बाद हम इसमें 1 बड़ी चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे। 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, बड़ी चम्मच से लिया है हमने। नमक स्वाद अनुसार 1.5 चम्मच हमने लिया है। सेंधा नमक हम यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो कोई भी नमक यूज़ कर सकते हैं, वैसे सेंधा नमक बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। पानी डाल देंगे हम इसमें अपने सब्जी की आवश्यकता अनुसार, आप देख सकते हैं 2 कटोरी के लगभग इसमें हम पानी डालेंगे। अब सब्जी को हम ढक देंगे 4 मिनट के लिए ताकि सब्जी मसाला अच्छे से पक जाए। सब्जी को खोल के देख सकते हैं हम, अब लगभग हमारी पक चुकी है सब्जी। अब इसमें कटिंग बारीक कटी हुई टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भून लें अच्छे से ताकि अच्छे से नरम हो जाए। और बस 2 से 3 मिनट तक इसको हाई फ्लेम में भूनते रहें और सब्जी जो है वो हमारी बन करके तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं पका लिए हैं हम अच्छे सब्जी को। बिल्कुल इजी प्रोसेस है, बिना मसाले की बहुत टेस्टी सब्जी है ये। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी है। इसको आप पूरी या रोटी किसी चीज़ के साथ भी खाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्ट लगेगा। और बहुत ईजी प्रोसेस है, इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और बिना मसाले का बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो इसे ज़रूर से बनाइएगा और अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और पसंद आया तो रेसिपी को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी शेयर करें ताकि वो भी इन सब सब्जियों का लाभ उठा पाएँ और हम तक पहुँच पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बस नीचे रेड बटन है उस पर क्लिक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे सारे हेल्दी हेल्दी सब्जियां, हेल्दी 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 डिश के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।